सभी जनों को जय राम जी। बुंदेलखंडी के व्यंग दूसरी लुगाई में आप सभी जनों को बहुत ही स्वागत है। तो आइए सुनते हैं अपन दूसरी लुगाई। गजूधर कक्का लोट लोट के रो रहे थे, पूरे गांव में मजमा लगो तो ना हो माँ हो से गांव भर के लोग लुगाई आके पूछ रहे, काय गजूधर कक्का काय डड़िया डड़िया के रो रहे। मनो कक्का काय कौन ने तो कछु के ही रहे, ने सुन ही रहे और ने तो मोंग ही रहे। तनक देर बाद बगल के घर से पिल्ले बरेदी की लुगाई ढाई हाथ के घूंघट में से चले आई। बुढ़ापे में गर्रा रहे हैं जी कक्का, काल रात के काकी ठटरी बांध के कड़ गई के तमखों। इतने से फुल्ले और टुल्ले धाऊ चिल्लिया ने, मनो भौजी ऐसो का होगा, पूरी कथा तो बता दो। बार दो ऊँसई ढंग से काय को नचा रही हो। भौजी फिर हाथ मटका के चिल्लियानी का करम बताता है। इन्हें बड़ऊ से पूछो जी लटके कबर में है, मनो गर्रा हट पूरे हो रहे। अब मुलू कक्का चिल्लियान, अरे जल लुगाई सांची सांची काय नहीं बता रही, ऊँसई बोले आसी रही है। भौजी कह लगी इनके काम बताओ तुम्हें शर्म आ रही है। राम धई मनो सुनो, अब काल कल्लू के भाई ने हमारी काकी को बताई थी के जी कक्का। भौजी बोली राम धई खूब इलाज आऊ थे बतावे मैं। फिर बोली काय कक्का तुम्हें काय नहीं बता दे रहे, काल दिन भर काम मुंडी गाड़े रहे। मुलू कक्का फिर चिल्लिया ने बता सीधे से काय नहीं बता रही। भौजी फिर बोली हमें बता रहे, काल जे बड़ऊ कक्का दूसरी लुगाई देखवे गए थे, जा बात सुन के पूरे गांव में सना को खिंच गओ। इते चौंतरा पर डरे गजूधर कक्का डरे आ गए बे लगे। मुलू कक्का फिर चिल्लिया ने काजे लुगाई बुढ़ापे में जी लांछन लगा रही बेचारी कक्का पे। अब भौजी फिर बोली हमें का करने लांछन लगा के, पूछ लो इन बड़ऊ से काकी रात को उन्ना लत्ता ले गए भगी के नहीं भगी। जब बात सुन के गाँव भर के आदमी उन लुगाइयों ने कक्का को खूब नकटे आओ। कक्का चिल्लिया चिल्लिया के रो रहे और कह रहे, तनक हमारी तो सोई सुन लो को न मनो गाँव वारे लगे नकटे आवे। अरे बड़ऊ जो सब का कर रहे जी कंछे दीखो अलग दिमाग खराब हो गो। वो चिल्लियानो जी इन्हीं जैसे बड़ऊ घरों के मारे हमारों के ब्याह नहीं हो पा रहे। इनकी एक लुगाई पहले से हैं और दूसरी देखवे जा रहे। और जब ये बगल में खड़ी एक और लड़का बोले काय कक्का नई काकी की उम्र का है, नई लड़कनी है के नहीं। अब सुनत सुनत कक्या ने गरिया वो शुरू कर दो और दूसरी तरफ गांव भर में हल्ला मच गओ। कक्का दूसरी लुखाई देखे आए, काकी घर से भग गई। इतने गांव में जो हल्ला मचो तो उतने बगल के घर के नए दामाद कनऊ लूटा लेके खेतों में भगत फिर रहे थे। काल हन के कड़ी सरूटी थी सो आज ढकना ढील हो गओ। जैसे गांव में पिरे सोई हल्ला को खबर उनको मिल गई। और जब लोगों ने बताई के काल कक्का नए दामाद के संगे गए थे, जैसे दामाद लाल गांव में आए सब ने लल्ला को घेर लाओ। लल्ला बताओ काल कक्का तुम्हें जे संगे गए थे, इनको दूसरी लुगाई दिखावे तुम्हें लुआ गए थे के नहीं। जब बात सुनकर लल्ला चकरा गए, कहने लगे काल कक्का हमारे संगे सलेमा देख भी गए थे, फिर दिन भर संगे रहे हमारे। जैसे ही सलेमा की बात आई उनको दिमाग सटक गाओ, बोले दारी गड़बड़ का है। लल्ला कक्का से बोले तुमने सबको का बताई थी के काखों गए थी हमारे। कक्का बोले बई तो कही हती, दारी जोन तुमने कही थी के दूसरी लुगाई देख भी गए थे। हल्ला जोर जोर से खिलखिला के हंस पड़े। गांव के सब लल्ला के मोतर पे देख रहे। लल्ला ने बताई कि हमारे काल स्त्री टू देखवे गए थे, कक्का के लाने नान समझ में नहीं आ रहा हो तो सो हमने सरल भाषा में बता दई कि दूसरी लुगाई जा तो गफलत हो गई दारी। अब सब ने कक्का के खूब मजा मौज करे। बाद में पता करी के काकी कितने खुन चली गई। अब कल्लो भाई फिर सामने आई और कहने लगी काकी कह रही थी कि कक्का दूसरी लुगाई देखन गए हैं सो हमें कम न जानियो, हम सोई दूसरे को पहले से इंतजाम करें बैठे हैं।
आज ही रात को जे जात हम तो सो काकी तो दूसरे आदमी के संग निकल लई। कक्का की हालत खराब फिर लगे लौटवे गुस्सा में खिसे आके बोले दामाद लल्ला तोरी दूसरी लुगाई के चक्कर में मोरी पहली लुगाई भग गई। अब गांव के तो गांव के आए सब लगे हुल्लड़ मचावे के कक्का की दूसरी लुगाई के चक्कर में काकी ने दूसरों खसम फिल्म बना डाली।